हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पाइथन में कास्टिंग कैसे करते हैं, मतलब कि डेटा टाइप को चेंज कैसे करते हैं, मतलब किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। पाइथन कास्टिंग मतलब कि डेटा टाइप को चेंज करना। जैसे कि इस स्लाइड में हम क्या है कि एक हमारे पास वेरिएबल है एक्स नाम का, जिसमें वैल्यू है 10। ये एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रिंग में भी चेंज कर सकते हैं और फ्लोट में भी चेंज कर सकते हैं। तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंटीजर को स्ट्रिंग में और फ्लोट में कैसे चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं कास्टिंग करना। तो हम आते हैं अपने सबलाइन एडिटर में और यहाँ पे आगे अपनी नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल का नाम है casting.py, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं x बराबर 10, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसको प्रिंट करते हैं टाइप के साथ कि ये किस टाइप का है, ठीक है। सेव करते हैं और इस फाइल को हम करेंगे रन। रन करने के लिए हमें फोल्डर तक जाना है, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं पाइथन, फाइल का क्या नाम है casting.py। अब ये बता रहा है कि ये जो फाइल है आपकी इंटीजर टाइप की है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है। अब मुझे अगर इसको स्ट्रिंग में बनाना हो तो कैसे करूँगा। जैसे कि एक्स स्ट्रिंग में लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम, कि एक्स को मैं स्ट्रिंग में चेंज कर रहा हूँ। तो सिंपल फंक्शन होता है str, इसमें पास करेंगे x को तो ये बना देगा इसको स्ट्रिंग टाइप का। तो प्रिंट करते हैं दोबारा से, टाइप लिखते हैं और इस बार टाइप देंगे x स्ट्रिंग, मतलब कि अब ये किस टाइप में बदल गया, देखते हैं। करते हैं रन, पहला x का आ रहा है इंटीजर, दूसरा आ रहा है x स्ट्रिंग, मतलब अब ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब इसी को अगर फ्लोट में बदलना हो तो फ्लोट कर देते हैं। अब इसको हम लिखते हैं फ्लोट और वेरिएबल है एक्स, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं अब क्या आना है, एक्स फ्लोट, ठीक है। अब ये हो जाएगा फ्लोट टाइप का। रन करेंगे, सबसे पहले इंटीजर आ रहा है, फिर स्ट्रिंग आ रहा है, फिर फ्लोट आ रहा है। तो ये हो गया कि इंटीजर को स्ट्रिंग में और फ्लोट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सो कमेंट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं, इसमें देखेंगे कि स्ट्रिंग को फ्लोट में और इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर बराबर, ये हमारे पास कुछ रोल नंबर है, ठीक है। स्ट्रिंग को चेंज करना है तो पहले इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हम लिख देते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेता हूँ टाइप रोल नंबर और इसे करना है हमें रन। अब ये बता रहा है कि क्लास स्ट्रिंग, मतलब कि जो आपने जो ये वेरिएबल पास किया ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। अब हम इसको क्लिक देते हैं रोल इंटीजर, मतलब कि इंटीजर बना लेते हैं। int लिखेंगे सिंपल, रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करा के देखते हैं, अब ये चेंज हो जाएगा इंटीजर में, क्योंकि हमने इसको टाइप पास कर दिया इंटीजर से। रन करेंगे, सेकेंड लाइन में हमारे पास आ रहा है इंटीजर, कि आपकी जो स्ट्रिंग थी वो इंटीजर में चेंज हो गई। एक और करते हैं, फ्लोट में बदलते हैं इसे, फ्लोट, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा फ्लोट के अंदर। इसका टाइप देखते हैं, रोल फ्लोट, ठीक है। सेव करेंगे, दोबारा रन करते हैं, अब ये बदल गया फ्लोट के अंदर, ठीक है, कि टाइप इनका बदल रहा है। अभी ये स्ट्रिंग में था, इसको हमने फ्लोट में कर दिया और इंटीजर में कर दिया, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अगली स्लाइड में आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है।
इसमें है फ्लोट को स्ट्रिंग या इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, मैं लिखता हूँ प्राइस बराबर 19.50। ठीक है, ये एक फ्लोट फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं इसका क्या टाइप आ रहा है, प्राइस। ठीक है, रन किया, फ्लोट है। ठीक है, अब हमें प्राइस को करना है इंटीजर। ठीक है, INT लिखेंगे और इसको पास करेंगे प्राइस को। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है, प्राइस इंटीजर। ठीक है, रन करते हैं फाइल को, अब ये हो गया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हो गया मतलब कि इसका जो पॉइंट था वो ख़त्म हो गया। अब एक और वेरिएबल लेते हैं प्राइस, प्राइस स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको स्ट्रिंग में चेंज करना हो तो प्राइस को इसमें पास कर देंगे तो ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं, टाइप प्राइज स्ट्रीम, सेव और रन। ठीक है, हो गया चेंज। तो ये हो गया हमारा टाइप कास्ट करना, मतलब कि किसी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। कर देते हैं कमेंट। ये हो गया, हमने तीनों को देख लिया कि स्ट्रिंग को, फ्लोट को, इंटीजर को एक दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।